दोस्तों, अगर आप भी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला T20 मैच देखने के लिए उत्साहित हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला T20 मैच शुरू हो चुका है, जहां कप्तान हार्दिक ने टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज को खदेड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली है। तो आखिरकार यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी पारी कैसे पड़ी, वेस्ट इंडीज पर भारी कौन पहुंच गया है, शतक के करीब किसने बनाए हैं, कितने रन, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत और वेस्ट इंडीज में कौन पहले T20 मैच में अपने नाम करेगा, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का बेसब्री से पूरी दुनिया को इंतजार था, और WTC फाइनल के बाद अचानक से शुरू हुए इस रोमांचक T20 मैच में हर कोई हैरान है कि आखिरकार भारतीय टीम यदि ऐसा दमदार प्रदर्शन करेगी तो पूर्व विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज की तो हम बड़ी आसानी से 5-0 से कुचल कर रख देंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जब ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला शुरू हुआ, तो यहां पर टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी का फैसला किया, और कप्तान का यह फैसला इतना सही साबित होगा इसकी उम्मीद तो खुद भारतीय टीम को भी नहीं थी। हुआ ये कि जब यहां पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो इन दोनों ने अपने पहले ही ओवर से ही चौके छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी। बड़ी ही आसानी से बल्ले पर गेंद आ जा रही थी, जैसे अपना जादू दिखाते हुए ये दोनों बल्लेबाज बाउंड्री के बाहर फेंके जा रहे थे। इन दोनों की अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो भारतीय दर्शक भी बेहद खुश नजर आ रहे थे, और देखते देखते भारतीय पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान शुभमन गिल ने 58 रनों की आतिशी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 खौफनाक छक्के तो 3 खतरनाक चौके भी लगाए थे। हालांकि ये शानदार बल्लेबाज अपना विकेट गवा बैठा, लेकिन दोस्तों वेस्ट इंडीज को जरा भी यह भनक नहीं थी कि गिल को आउट करना उनके बस की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगी, क्योंकि मैदान में उतरे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज ने वेस्ट इंडीज की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान पर ऐसा तांडव मचाया जिसे देख पूरी दुनिया कांप उठी। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाल लिया। यदि आप भी पूरी दुनिया की तरह भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाला पहला रोमांचक T20 मैच देखना चाहते हैं तो अपने टीवी स्क्रीन पर आप स्टार स्पोर्ट्स के माध्यम से यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं यदि आप इस मुकाबले को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो वो अपने मोबाइल फोन पर आप जियो सिनेमा के माध्यम से कर सकते हैं। हाँ, आपको ये सुविधा फ्री में मिलने वाली है। अब बात करें इस लाइव मुकाबले के बारे में, तो मैच में बेहद शानदार मोड़ पर चल रहा है। यशस्वी जायसवाल ने केवल 55 गेंदों पर अपना तूफानी शतक भी पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने 10 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए हैं जिनमें से कई बार तो गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई थी। इसके बाद भी ये खिलाड़ी आउट होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके साथ ही उन्होंने 18 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया है। हालांकि भले ही भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वार्म अप मैच है, फिर भी हार्दिक पांड्या को ध्यान देना होगा कि भारतीय बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के चक्कर में अपने विकेट न गवा दें। अब बात करते हैं दोनों टीमों की, तो दोनों टीमों में कई बड़े बदलाव हुए हैं। बात करें वेस्टइंडीज टीम के बारे में तो काइले मेयर्स के साथ जॉनसन चार्ल्स पारी की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनके साथ ब्रेंडन किंग, कप्तान निकोलस पूरन, सिमरन हिटमायर के साथ साथ जैसन होल्डर, रोमन पवेल, ऑर्डन स्मिथ, अखिल हुसैन, ओवेड मैकॉय और अल्जारी जोसेफ को मौका दिया गया है। अगर बात करें भारतीय टीम के 11 खिलाड़ियों के साथ किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी है, तो हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिले। कयास लगाए जा रहे हैं कि शुभमन गिल और ईशान किशन पारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो नंबर 3 के पायदान पर ऋतुराज को मौका मिला है, जहां ऋतुराज यादव चौथे पायदान पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने के लिए मौजूद है। उनके साथ साथ यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को भी मौका दिया गया है। हार्दिक पांड्या के साथ साथ अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल को भी टीम इंडिया में मौका मिला है। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट में भारतीय टीम बेहद खतरनाक लग रही है। तो दोस्तों, यही है भारत और वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 टीम जो आज पहले T20 मुकाबले में खेलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहले T20 मुकाबले में कौन सी टीम अपने नाम करेगी, कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खेल जगत से जुड़ी नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।